चुनाव आयोग ने प्रदेश में 5 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक। कल सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल में मतदान की तैयारियां पूरी। शांतिपूर्ण मतदान और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं से मतदान की अपील। विधानसभा के लिए होने वाले मतदान के लिए मात्र कुछ घंटे शेष। प्रत्याशी डोर टू डोर कर रहे प्रचार। उम्मीदवार के साथ केवल 4 अन्य लोगों को साथ ले जाने की अनुमति। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। कर्मचारियों को दिलाई गई मतदाता शपथ। स्वीप गतिविधियों के तहत प्रचार वाहनों को भी दिखाई हरी झंडी। आचार संहिता के दृष्टिगत पुलिस, आयकर और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत की जा रही नाकाबंदी से अब तक राज्य में करीब 55 करोड़ रुपए की जब्ती और जुर्माना वसूल। विधानसभा चुनाव में इस बार की जाएगी रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग। शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के एक एक क्षेत्र में QR कोड द्वारा होगी मतदाताओं की पहचान। मंडी के एक निजी स्कूल में 9 निहालों को बताया गया वोटिंग का प्रोसेस। स्कूल में 4 पार्टियों का गठन कर बच्चों से करवाया गया मतदान। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फर्स्ट टर्म से वंचित छात्रों को दिया गोल्डन चांस। इनमें 247 दसवीं और 268 बारहवीं के छात्र शामिल। 25 से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 15 परीक्षा केंद्र किए गए हैं स्थापित। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ, हालांकि तापमान में गिरावट का दौर जारी। जनजातीय क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने आज और कल मौसम के साफ रहने की जताई संभावना।